मालिक के बेटे ने की नौकर की हत्या। मामला आपको बताते चले बरेली। मालिक का बेटा फार्म हाउस से करता था चोरी, जिसका विरोध लगातार नौकर करता रहा, जिसको लेकर मालिक का लड़का और नौकर में बेटी को लेकर हुई कहा सुनी। इसी बात को लेकर कल नौकर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। थाना विशरपुर के गांव हेतम नगला का रहने वाला 50 वर्षीय भगवान दास पुत्र तेजराम के बेटे ने राजेश ने बताया, मेरे पिता शुक्रवार को दोपहर 12 बजे हुआ। आपके किसने हत्या की? आपके पापा? हमारे पापा की आदेश तोमर और गुल्ली तोमर ने रहते थे। दोपहर 12 बजे घर से आए थे, 3-4 बजे टाइम पे उनकी हत्या कर दी। हमें मालूम पड़ा तो आदित्य का नाम हमें मालूम पड़ा और उनके पापा ने आके हमें बताया। आदित्य तोमर और गुल्ली तोमर दोनों मिले हुए थे। उसके बाद में हमने कार्रवाई की आदित्य तोमर के ऊपर, उनका गुल्ली तोमर का हमें नाम नहीं मालूम था। करते क्या हैं आप? तो वहाँ खेती करते हैं, वहाँ किसान हैं। कितने लोग हैं घर में? हमारे 9 लोग हैं। किस जगह के रहने वाले हो? बीसलपुर थाने, बीसलपुर घर में रहने वाले हैं। थाने बीसलपुर है, जिला पीली भी है, तहसील भी है। हत्या जो हुई थी वो किसने करा था? हत्या वो मैंने गुड्डू तोमर ने पकड़ा था। आदित्य तोमर ने मुझे मुझे बारे बात मुझे आइटम में बात किया। जनपद पीलीभीत क्षेत्र के रहने वाले श्री राजेश कुमार द्वारा थाना साहिब पर एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पिता भगवान दास ग्राम फिरोजपुर में खेती का पटाई का काम करते थे, तथा अपने खेत के मालिक से उन्होंने उनके फार्म हाउस को भी केयर टेकर के तौर पर काम करते थे। मालिक का लड़का अपनी गलत आदतों के कारण फार्म हाउस का सामान चोरी छुपे बेचता रहता था, जिसके कारण उस लड़के से उनका विरोध रहता था। कल दिनांक 6 अगस्त को मालिक के बेटे आदित्य तोमर ने उनके पिताजी की हत्या कर दी है। इस संदर्भ में थाना साहिब पर 302 IPC आदित्य तोमर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में नामजद अभियुक्त आदित्य तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तथा उनके शव का पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।